राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अनिवार्य आरोह भाग टू, जिसका सातवां पाठ यानी काव्य खंड में से सातवां पाठ हम पढ़ेंगे। और सातवें पाठ में आपके हैं बादल राग, जिसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। पहला भाग हमने पढ़ लिया। पहले भाग में हमने कवि का परिचय जाना, परिचय के साथ साथ उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं यानी निराला जी की जो साहित्यिक विशेषताएं क्या है उनके बारे में जाना, और भी कुछ प्रश्न है वो लगभग 6-7 प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, और कविता में कौन कौन सी चीज है वो महत्वपूर्ण बनती है, कौन सी लाइनें आपके लिए कहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो सभी लाइनें मैं आपको नोट करवाऊंगा और आप नोट करते जाएं और पेन से लिखते भी जाएं। कविता के साथ साथ कविता का जो अर्थ ग्रहण है यानी कविता का जो भावार्थ है वो आपको अच्छी तरह से याद होना जरूरी है, कविता का सरलार्थ याद होना जरूरी है यानी कविता की व्याख्या याद होनी जरूरी है। तो आज हम उस व्याख्या के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाठ पढ़ने के बाद यानी जब हम इतना पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और यदि मान लो किसी प्रकार का कोई डाउट रह भी जाता है तो आप निश्चित रूप से मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको आगे बताए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आप निश्चित रूप से लिखें। आपके लिए ग्रुप भी बनाए गए हैं और उस ग्रुप पर ऐड भी हो जाएं, निशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं है। तो आइए देखते हैं आज हम पाठ जो पढ़ते हैं उस पाठ में किस प्रकार की व्यवस्था है यानी कैसा पाठ है। बहुत ही सुंदर पाठ है, निराला जी का पाठ है तो बहुत सुंदर पाठ होना ही है, क्योंकि निराला जी जो है वो मुक्त छंद के प्रणेता है और उनकी बहुत सारी कविताएं जैसे राम की शक्ति पूजा यदि हम पढ़ते हैं, तुलसीदास हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी कविताएं यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कविता को बार बार पढ़ा जाए, यानी बहुत ही सरस कविताएं हैं, बहुत ही रहस्यमयी और एक गंभीर अर्थ को व्यक्त करने वाली कविताएं होती है। आइए निराला जी की कविताओं को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग, जिसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें और कैसी इसकी व्याख्या है, तो आइए पढ़ते हैं। पहले भाग में हमने पढ़ाई था कि बादल राग कविता है वो अनामिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अनामिका से लिया गया है। और आज हम इसको देख लेते हैं, ये दूसरा भाग है। आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, और आपके लिए जो मैं आपको नंबर बता देता हूं जिन नंबरों पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है 9610208295, इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इन नंबरों पे आप ऐड हो जाइए और निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो देखिए देखते हैं क्या है। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं। ये कविता आपको मैं बता दूं कि किसके संबंध में है। यह कविता शोषक और शोषित वर्ग के बारे में है, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग के बारे में है, यानी यूं कह सकते हैं दलित और पूंजीपति वर्ग की के बारे में है। और ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में देखिए क्या लिखा है। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, ऐसर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तिरती समीर, समीर का अर्थ होता है हवा, सागर यानी समुद्र, ऐस्तर का मतलब जो स्थिर नहीं है, जग के दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, दग्ध का अर्थ क्या होता है जला हुआ, विप्लव, विप्लव का मतलब होता है क्रांति कह सकते हैं, यहां पर हम प्रलय कह सकते हैं, और प्लावित, प्लावित का मतलब होता है यानी आया या बाढ़ आई, तेरी रणतरी, रणतरी का मतलब होता है युद्ध नौका, क्या अर्थ होता है युद्ध नौका, भरी आकांक्षाओं से भेरी, भेरी का अर्थ होता है गर्जना यानी एक तांडव आवाज, और सजग जो जगा हुआ है, सुप्त यानी सोया हुआ, सुप्त यानी सोया हुआ, अंकुर यानी जो उगने वाला है, और सिर ताक रहे हैं विप्लव के बाद, विप्लव यानी यहां पर प्रलय कह सकते हैं, यहां पर क्रांति कह सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी व्याख्या करने से पहले प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग हम जब लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे,
प्रसंग का अर्थ है कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा विरचित बादल राग कविता जो कि अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है में से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शोषक और शोषित वर्ग के बारे में लिखा है, शोषक और शोषित वर्ग के बारे में लिखा है, यानी शोषित वर्ग के दुखों का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या में देखिए सबसे पहले कवि क्या लिखते हैं। कवि निराला बादल को, बादल राग यानी बादल को कहते हैं कि तिरती है समीर सागर पर। बादल है वो कहां तिरता है, यानी हवाओं के साथ तिरता है। ऐस्तर सुख पर दुख की छाया, जिस प्रकार बादल, बादल जो है वो हवाओं के सहारे यानी वायु रूपी सागर में तैरता रहता है, उसी प्रकार पूंजीपतियों का सुख और उनके ऊपर क्रांति की छाया यानी क्रांति रूपी दुख की छाया मंडराती रहती है, छाया मंडराती रहती है। और कवि कहते हैं कि हे विप्लवी बादल, नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया के समान वायु रूपी समुद्र में तेरी छाया हमेशा ही तैरती रहती है, और तेरी रणतरी नौका के समान अनेक आकांक्षाओं से भरी यह पानी में डूबी विनाश की माया संसार के दुखी हृदय पर अपनी नगाड़े की भयानक गर्जना करके डराती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर, संसार के इस जले हुए हृदय पर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, अर्थात हे बादल, तुम्हारी ये कड़कने वाली आवाज और तुम्हारी जो गर्जना है, इससे ये संसार डरता रहता है, यानी पूंजीपति वर्ग है वो क्रांतिकारियों की उस गर्जना से हमेशा डरता रहता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, बादलों की गर्जना, बादल की जो गर्जन है, ये रणतरी यानी भरी आकांक्षाओं से, आपके बादलों की गर्जना जो है वो आकांक्षाओं से भरी हुई होती है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में, या यूं कह सकते हैं कि क्रांति जो है, क्रांति करने से वंचित वर्ग जो होता है, वंचित वर्ग को आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है कि जब क्रांति होगी तो किसी न किसी प्रकार का नई व्यवस्था होगी। घन भेरी गर्जना से सजग सुप्त अंकुर, और जब बादलों की भयंकर गर्जना को सुनकर के और पृथ्वी में छोटे छोटे अंकुर उगाते हैं, उसी प्रकार क्रांति को सुनकर के यानी क्रांति के विचारों को सुनकर के, क्रांति की आहट पा करके, और वंचित वर्ग है वे भी अपनी आकांक्षाएं बटोरने लग जाते हैं। उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की, और जिस प्रकार पृथ्वी के हृदय में नए जीवन की आकांक्षाएं और आशाएं पनपने लगती है, ठीक उसी प्रकार जब क्रांति होती है तो क्रांति के सहारे भी वंचित वर्ग है वो नए जीवन की आशा करने लग जाते हैं। ए विप्लवी बादल, अर्थात हे क्रांति को करने वाले क्रांतिकारियों, तुम आइए, यानी आपको आमंत्रित करता हूं। अब जैसे मान लो इसमें यदि हम विशेष देखेंगे तो विशेष क्या है, देखिए, तिरती है समीर सागर पर, समीर रूपी सागर यानी यहां पर रूपक अलंकार है, रूपक भी है, समीर सागर अनुप्रास भी है, दोनों अलंकार है इसमें। सुख पर दुख की इस जगत के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रणतरी, यहां पर रूपक अलंकार है, कौन सा है, रूपक अलंकार है। भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, यहां भी विप्लव रूपी बादल, तो यहां पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। एक इसमें मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण का अर्थ है जैसे बादल को भी एक मनुष्य की संज्ञा दी गई है या चेतन की संज्ञा दी गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो अनुप्रास है, रूपक है और मानवीकरण अलंकार है। इसमें देखिए आगे हम देखते हैं अगले भाग में क्या है। अगले भाग में कहता है कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। जब बादल
फिर फिर करके बार बार गर्जना करते हुए जब मूसलाधार बरसात होती है तो संसार का हृदय थम जाता है। ठीक इसी को तुलनात्मक लेते हुए कवि कहना चाहते हैं कि जब क्रांति की गर्जना होती है तब पूंजीपतियों का हृदय थम जाता है, यानी वे स्वयं क्षुधित हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार असनी पास से सापित उन्नत सत सत वीर। और जब बादलों से भयंकर गर्जना होती है, बिजली कड़कती है तब क्या होता है कि असनी पास से, यानी ओले गिरना या बिजली कड़कना, उनसे सत सत वीर यानी बड़े बड़े जो वीर योद्धा होते हैं वो भी डर जाते हैं। सत विक्षत हत अचल शरीर, और उनके गर्जना से उनका अचल जो यानी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत की चोटियां सत विक्षत हो जाती है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, यानी गगन स्पर्शी चोटियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो धराशायी हो जाते हैं ज्यादा बरसात और उसकी घोर गर्जना से। लेकिन हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, जब इस प्रकार की बाढ़ आती है, जलप्लावन होता है, तो जलप्लावन से ऐसा नहीं है कि छोटे पौधे होते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, उनमें शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते दूजे हिलाते। और छोटे छोटे पौधे होते हैं अपने दो पत्तों के बल पर तुम्हें आमंत्रित करते हैं, अर्थात बादलों को आमंत्रित करते हैं, और विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, और विप्लव रव से यानी क्रांति की जो आवाज होती है उससे छोटे व्यक्ति अर्थात वंचित वर्ग को ही लाभ प्राप्त होता है, वंचित वर्ग ही शोभायमान होता है। कहने का अर्थ है कि जब क्रांति होती है तो वंचित वर्ग को लाभ होता है और पूंजीपति या बड़े बड़े उनके महल माल या जो होते हैं वो सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। अगले में जैसे इसमें हम विशेष देखेंगे तो विशेष में देखिए फिर में क्या है, फिर बार बार यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश है। और हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर, सुन सुन में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश है। असनी पास से सापित उन्नत सत सत वीर, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश है। सत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, और इसमें मानवीकरण अलंकार है। अपार देखो, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव छोट, यानी इसमें भी मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकार है, और एक अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए अट्टालिका नहीं है रे, कवि क्या कहता है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका नहीं है रे, कवि कहता है कि ये जो बड़े बड़े भवन है, अट्टालिका मतलब बड़े भवन, बड़े बड़े जो भवन है ये अट्टालिकाएं नहीं है, ये भयभीत हैं, आतंक भवन है। और सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, सदा हमेशा कीचड़ में ही बाढ़ आती है या जलप्लावन होता है, जलप्लावन होता है वो सदा कीचड़ में ही होता है, क्योंकि पानी वहां पर सोखता नहीं है और पानी एकत्रित होता जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो सदा कीचड़ में ही जलप्लावन होता है। लेकिन शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छिलकता नीर, लेकिन पंकज में उपस्थित जो कमल का पौधा होता है या कमल पुष्प होता है वह तो मुस्कुराता रहता है, जल प्लावन में भी खिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार शोषित वर्ग या मजदूर वर्ग जो होता है, मजदूर वर्ग दुखों में भी हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जबकि पूंजीपति वर्ग जो होता है वह दुखी हो जाता है, यानी थोड़ी सी विडंबना आते ही अर्थात थोड़ी सी विपदा आते ही वह अपने साहस और धैर्य को खो बैठता है। रोग शोक में भी हंसता है, यानी जो मजदूर वर्ग या दलित वर्ग या यूं कह सकते हैं कि शोषक वर्ग है वो रोग और शोक में भी हंसता रहता है। उनका शरीर शैशव है, यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका शरीर सुकुमार होता है, लेकिन फिर भी वे हंसते रहते हैं और जल प्लावन से यानी दुखों में भी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी घबराते नहीं है। इसमें देखिए अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदापंक पर ही होता है जल विप्लव प्लावन,
यानी यहां पर रूपक है। शूद्र प्रफुल्ल जलज से उपमा अलंकार है। सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हंसता है। शेषव का सुकुमार शरीर अनुप्रास अलंकार है। अगले में क्या लिखा है देखिए, अगले में लिखा है कि रुद्ध कोष है शुद्ध तोष। पूंजीपति लोग, पूंजीपति संपत्ति को अवरुद्ध करके अर्थात संपत्ति का संचय करके फिर भी उनमें संतोष नहीं है। रुद्ध कोष है शुद्ध तोष अर्थात फिर भी उनमें संतोष नहीं है, संतोष क्षुधित है। उन्होंने संपत्ति के खजाने यूं कह सकते हैं कि संपत्ति को अनैतिक रूप से उन्होंने संचय कर लिया है, फिर भी उनमें क्या नहीं है, संतोष नहीं है। आगे लिखा है कि अंगना अंक से, यहां पर अंक है, अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी व्यक्ति या पूंजीपति वर्ग है वह संपत्ति को एकत्रित करके भी संतुष्ट नहीं है या संतोष नहीं है। वे अपनी सुंदर स्त्रियों के गोद में लिपटे हुए हैं लेकिन उनके चेहरे पर क्रांति का आतंक सायास देखा जा सकता है, क्रांति का आतंक है वो सीधा सा देखा जा सकता है। धनी वज्र गर्जन से बादल अर्थात ये धनी वर्ग जिस प्रकार बादलों की गर्जना जो है वो बड़े बड़े पेड़ पौधे और पहाड़ों चट्टानों के लिए घातक होती है, उसी प्रकार क्रांति की गर्जना भी संपत्तिशाली या जो अनैतिक रूप से जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग के लिए वह गर्जना भारी पड़ती है, वह गर्जना नुकसानदायक होती है। और वे जब इस प्रकार की गर्जना होती है तब क्या करते, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और वे सभी दुखी होकर के और अपने दुख को प्रकट नहीं करने के लिए अपने मुख को अर्थात मुंह को दूसरी तरफ करके और अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रस्त नयन मुख डांप रहे अर्थात मुख को छिपा रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृशक अधीर। जिनकी भुजाएं कमजोर है, शरीर से दुबला पतला है और वह कृषान जो है वो है बादल, हे विप्लवी बादल, ही है क्रांति के वीर बादल, तुम्हें अधीर होकर के अर्थात तुम्हें बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करता हुआ किसान तुम्हें बुलाता है। जिसकी भुजाएं कमजोर है, जिसका शरीर बिल्कुल कमजोर है, हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर, तुम्हें किसान बुला रहा है। और उस किसान का हालात कैसे हैं, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। और उस किसान की दशा आज देखी नहीं जाती, जिसकी दशा को अर्थात किसान को शोषक वर्ग ने चूस लिया है अर्थात उसका बहुत अधिक शोषण कर लिया है, अब तो उसके पास हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, ए जीवन के पारावार। क्रांति, हे क्रांतिकारियों, अब तुम्हारी क्रांति ही उनके जीवन को बचा सकती है, उन्हें उनकी इस मानव सभ्यता को नष्ट होते हुए बचा सकती है। इसमें भी देखिए, अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, इसमें अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे और एक मानवीकरण अलंकार है, ए विप्लव के वीर, इसमें हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार, इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए हमने ये देखा और इसको देख करके शायद ये जो इसकी व्याख्या है वो आपके समझ में आई होगी। और व्याख्या के अलावा प्रश्न देख लेते हैं, आपके इन कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, अब थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नों में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं और वो सारे के सारे प्रश्न आपको करने भी हैं, करके आप अपने अध्यापक जी के पास भेज सकते हैं या आप जैसे मेरे पास भी आप भेज सकते हैं जो मैंने आपको नंबर दिए हैं। लगभग 10 प्रश्न हैं आपके दिए हुए और इन 10 प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूं। ऐस्तर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का क्या आशय है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि पूंजीपति वर्ग सामान्य जन का शोषण कर अनैतिक संपत्ति एकत्रित करते हैं और समाज में पर्याप्त सुख भोगकर स्वयं को गरीब लोगों से उच्चतर मानते हैं। ये लोग सामाजिक क्रांति एवं सजगता से डरते हैं क्योंकि वे भलीभांति जानते हैं कि क्रांति हमेशा वंचितों का साथ या वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है और
अतः इस पंक्ति में क्रांति को ही शोषकों के दुख की छाया बताया है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, नवजीवन की आशा में कौन ताक रहे हैं और क्यों? नवजीवन की आशा में शोषित वर्ग ताक रहा है, दलित वर्ग ताक रहा है। जब सामाजिक क्रांति होती है तो वंचित वर्ग को शोषण से मुक्ति मिलती है या मुक्त होने की आशा होने लगती है। वे भी उस क्रांति की ज्वाला को भड़काने में सहयोग करते हैं। वे भी अपनी नए सुखों की कल्पना करते हैं और सुखी जीवन जीने की आशा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, असली पात से स्थापित उन्नत सत्सत वीर पंक्ति में कवि ने किस ओर संकेत किया है? ये पंक्ति शोषक वर्ग को इंगित करती है, शोषक वर्ग को इंगित करती है। पंक्ति के अनुसार जिस प्रकार मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरती है तो बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों की चोटियां भी धराशायी हो जाती है, उसी प्रकार क्रांति होने पर शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग भी धराशायी हो जाता है और ये एक नई व्यवस्था कायम होती है जिसमें वंचित वर्ग को सर्वाधिक लाभ होता है। इस पंक्ति में अस्निपात के माध्यम से क्रांति के परिणामों की ओर संकेत किया गया है। चौथा प्रश्न, कवि ने विप्लवी बादल किसे कहा है? कवि ने विप्लवी बादल सामाजिक क्रांतिकारियों को विप्लवी बादल कहा है, सामाजिक क्रांतिकारियों को। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं या क्रांति के समय शोषक वर्ग क्यों हंसता है? दोनों का उत्तर एक ही है, उत्तर बताता हूं। उत्तर होगा इसका कि इन पंक्तियों का आशय है कि जब क्रांति होती है तो आमूल चूल परिवर्तन होता है। बड़े बड़े पूंजीपति जिन्होंने गरीबों का शोषण कर आराम जुटाया था, अर्थात जिन्होंने संपत्ति एकत्रित की है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन होते देखकर वंचित वर्ग खुश होते हैं, जिससे उनके चेहरे पर हंसी के दर्शन होते हैं। कवि के अनुसार क्रांति के जय घोष से शोषित वर्ग को ही लाभ प्राप्त होता है। छठा प्रश्न, कवि ने आतंक भवन किसे कहा है? पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवनों को। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उक्त पंक्तियों के अनुसार जब जलप्लावन होता है अर्थात बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय कमल खिलता रहता है, ठीक उसी प्रकार गरीब शोषित वर्ग भी कष्टों में भी मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अभाव में जीवन यापन करके भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जलप्लावन रूपी सामाजिक क्रांति के परिणामों से सुखद अनुभूति की आशा करते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, बादल राग कविता में कवि ने पूंजीपति वर्ग के बारे में क्या कहा है? कवि निराला कहते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने गरीब जनता का शोषण किया है और वे सभी विलासी हो गए हैं। अपने सुखों के लिए उन्होंने दलित वर्ग का शोषण कर उन्हें पंगु बना दिया है, अर्थात उनका अत्यधिक शोषण कर लिया है। क्रांति के स्वर को सुनते ही वे तिलमिला उठते हैं, अपने भय को छुपाने का प्रयास करते हैं, पर उनका चेहरा आतंकग्रस्त दिखाई देता है। दसवां प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? एक नौवां प्रश्न रह गया, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना। कवि निराला ने बादलों को क्रांति का प्रतीक मानकर संबोधित करता है कि शोषित वर्ग अर्थात किसान शोषक वर्ग की अनिति से व्याकुल हो गया है, अब तो वह अधीरता से यानी बेसब्री से क्रांतिकारियों की क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा में है। जिस प्रकार बादल बरसने से धरती पर हरियाली छा जाती है एवं समस्त अभावों की पूर्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक क्रांति होने से दलित शोषित वर्ग भी समाज में सुखद परिवर्तन की आशा करते हैं। इन पंक्तियों में अनैतिक शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया गया है, अनैतिक शोषक वर्ग के खिलाफ। दसवां प्रश्न, बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? बादल बरसने से प्रकृति में अपूर्व परिवर्तन होते हैं। जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है,
तो भय का वातावरण बन जाता है। इस दरमियान बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों की चोटियां भी धराशायी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, चारों ओर विनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। इस वातावरण में भी छोटे छोटे पौधे आनंदित होते हैं और अपने पत्तों से इस विप्लवी बादलों का अभिवादन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शोषक वर्ग के नष्ट होने पर शोषित वर्ग है वो क्रांतिकारियों का अभिवादन करता है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जो प्रश्न है वो अच्छे अच्छे लगे होंगे आपको, और आपको लगा होगा कि भाई मैंने प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से करवाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी भेजें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।